मोस्ट वेलकम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर पापिया बिगोनिया। फूड डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर इस वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो सीरीज का 10th लेक्चर है। मेटाबॉलिज्म के बारे में बताने वाली हूँ। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का एक ऐसा फैक्टर है, हर कोई इसके बारे में जानता है, लेकिन उसको समझते कितने लोग हैं। समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी का कैलोरी इनटेक और कैलोरी एक्सपेंडिचर दोनों बैलेंस में रहे, और उस बैलेंस को मेंटेन करते हुए आप एक प्रॉपर बॉडी वेट को लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म के बारे में डिटेल में जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में ऐसे फैक्टर्स पता चलेगा कि जिससे आप आसानी से अपनी बॉडी की कैलोरी बर्न प्रोसेस को ऑन रख सकते हैं, और जितना कैलोरी आप खाते हैं उतने कैलोरी को आसानी से आप बर्न कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एनर्जी या फ्यूल की जरूरत है, और ये एनर्जी और फ्यूल कहाँ से आता है? हमारे खाने से आता है। खाने का एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करते हुए हम बॉडी की एनर्जी सोर्स को इतना प्रोवाइड करते हैं कि जितना हमारी रोज की जरूरत के मुताबिक पर्याप्त हो, एक्सेस भी ना हो, और हमारी बॉडी फंक्शन प्रॉपर चलता रहे और हम एक गुड हेल्थ कंडीशन को मेंटेन कर सके। मेटाबॉलिज्म अगर आप ऊपरी तौर पे जानेंगे तो हमारी बॉडी में खाने का डाइजेशन, और उस डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है उस न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी यूज करती है फॉर दी बॉडी बिल्डिंग, बॉडी मेंटेनेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स। मेटाबॉलिज्म को जब हम मेजर करते हैं तो कैलोरी काउंट हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैलोरी काउंट के थ्रू ही हम ये मेजर कर पाते हैं कि हमारी मेटाबॉलिक फंक्शन कितना है और कितनी एनर्जी की हमें जरूरत है। मेटाबॉलिज्म को क्वांटिफाई करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। BMR एक ऐसा फैक्टर है जो ये बताता है पूरी तरह से रेस्टिंग कंडीशन में अगर पर्सन दिन भर में कुछ भी ना करे, कोई भी एक्टिविटी ना करे, आप एज्यूम करें कि पूरे दिन वो बेड पे लेटे रहे, तो सिर्फ उसके एसेंशियल बॉडी फंक्शन को चलाने के लिए, ब्रेन को चलाने के लिए, हार्ट को चलाने के लिए, लंग को चलाने के लिए, किडनी, स्टमक, इनके फंक्शन को चलाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। दिस इज द नीड ऑफ द एनर्जी और नीड ऑफ द कैलोरी फॉर टोटल रेस्टिंग कंडीशन। कि BMR शायद हर किसी के लिए सेम होगा, हर व्यक्ति का BMR सेम होगा, लेकिन व्यूअर्स हर व्यक्ति का BMR सेम नहीं होता है। हर एक का BMR अपना यूनिक होता है। आप रेस्टिंग कंडीशन में कितना एनर्जी बर्न करेंगे वो दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट, आपकी बॉडी का बिल्डअप, आपकी बॉडी में कितना प्रोटीन कंटेंट है, आपकी बॉडी में कितना मसल कंटेंट है और कितना फैट कंटेंट है, इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है, और दूसरा आपका लाइफस्टाइल कैसा है। आप एक्टिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं या फिर आप बहुत सिडेंटरी तरीके से लाइफ जीते हैं। बॉडी का मास इंडेक्स है, कितना आपकी बॉडी में मास है, उस मास में कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, वो डिसाइड करता है आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना होगा। आसानी से BMR को पता कर सकते हैं। बहुत सारे वेइंग स्केल इस तरह से डिजाइन होते हैं कि जब आप उसके आप बॉडी को एनालिसिस करते हैं आपका BMR पता चल जाता है। हम सारा दिन लेटे नहीं रहते और रेस्टिंग कंडीशन में तो रेयरली रहते हैं। बहुत सारे डेली वर्क करते हैं, अपना काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, तो हमारी बॉडी को असल में कितने कैलोरी की जरूरत है अगर BMR को छोड़ दे, तो हम जो एक्स्ट्रा वर्क रोज करते हैं उस वर्क को करने के लिए हमें कितनी और कैलोरी की जरूरत होती है। इसको मेजर करने के लिए जो फैक्टर होता है उसको बोलते हैं TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। चार फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो BMR, कि आपकी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में मिनिमम कितना उसको कैलोरी चाहिए, वो टोटली फिक्स होता है, वो एक साइड में रख दीजिए ना। बाकी तीन फैक्टर क्या है? एक्सरसाइज एक्टिविटी रिलेटेड थर्मोजेनेसिस, मीन्स आप पर डे कितना एडिशनल एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब होता है साइकिलिंग, वॉकिंग, जिम में जाना, स्विमिंग करना, इस तरह की एक्टिविटी में आप कितना कैलोरी कंज्यूम करते हैं। नॉर्मली हमारी डेली कैलोरी नीड का 5-10% होता है। थर्ड फैक्टर है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी रिलेटेड थर्मोजेनेसिस, ऐसी एक्टिविटी जो एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है, स्टिल दो हम रोज करते हैं और उसमें कितनी कैलोरी खर्च होती है। ये एक्टिविटी है हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक्टिविटी। घर में खाना बनाते हैं, घर की क्लीनिंग करते हैं, आप अपने लिए जो काम करते हैं, नहाना, तैयार होना, घर में चलना फिरना, बच्चों के साथ खेलना, जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी रिलेटेड थर्मोजेनेसिस। और इसमें हमारे दिन का
10-20% कैलोरी खर्च होता है। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, हम जो खाना खाते हैं उस खाने को पचाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। खाना डाइजेस्ट करने के लिए जो कैलोरी हम कंज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, और इसमें हम रफली रोज करीब 10% कैलोरी खर्च करते हैं। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है BMR, जो कि हमारी टोटल कैलोरी की 60-70% होता है डेली का। देन आता है एक्सरसाइज एक्टिविटी रिलेटेड थर्मोजेनेसिस, जो नॉर्मली 5-10% होता है। देन नॉन एक्सरसाइज रिलेटेड थर्मोजेनेसिस, जो 10-20% होता है। खाना पचाने के लिए जो एनर्जी हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, वो होता है नियरली 10% ऑफ आवर कैलोरी नीड। उसको दो भाग में डिवाइड कर दे, BMR एंड नॉन BMR। नॉन BMR एक्टिविटी में नियरली 30-40% कैलोरी हमारी बॉडी की कंज्यूम होती है। एग्जांपल आप देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड फीमेल बॉडी की BMR 1200 कैलोरी के आसपास होता है। मींस रोज आप 1200 कैलोरी सिर्फ आपके बॉडी फंक्शन के लिए कंज्यूम करते हैं। TDE की बात करें वो नियरली होता है 1800 कैलोरी, मींस 600 कैलोरी आप बाकी एक्टिविटी के लिए खर्च करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज रिलेटेड हो, चाहे वो नॉन एक्सरसाइज रिलेटेड हो, चाहे आप थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो TDE 1800 कैलोरी, इसमें BMR है 1200 कैलोरी। आप कुछ भी ना करें तो भी आपको 1200 कैलोरी की रोज जरूरत है, और आप अगर एक्स्ट्रा लेते हैं 1200 कैलोरी से ज्यादा फूड कंज्यूम करते हैं तो आपको ये बाकी एक्टिविटी के थ्रू उसको बर्न करना होगा, नहीं तो वो बॉडी में जमा हो जाएगा। और टोटल आपकी बॉडी की ओवरऑल कैलोरी टर्नओवर पर डे मैक्सिमम जो आप ले सकते हो और यूटिलाइज कर सकते हैं वो है 1800। अगर आपको फैट लॉस करना है या एक्सेस बॉडी वेट को लॉस करना है तो ऑब्वियसली आपके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, चाहे कोई भी डाइट प्लान को अपनाए, चाहे कोई भी आप फिटनेस प्लान को अपनाए, एक्टिविटी को अपनाए, चाहे आप कुछ भी करें, आपका अल्टीमेट इफेक्ट आता है कैलोरी डेफिसिट। जितना कैलोरी बर्न करते हैं उससे कम कैलोरी कंज्यूम नहीं करेंगे तो आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कम कैलोरी कंज्यूम करने के बाद भी फैट लॉस या वेट लॉस नहीं कर पाते। नॉन BMR कैलोरी लॉस एक्टिविटी है उसको वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। नॉन BMR रिलेटेड कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ा सके, उसको बूस्ट अप कर सके, तो बहुत आसानी से आप कैलोरी को कंज्यूम कर सकते हैं, कैलोरी को खर्च कर सकते हैं, और एक अच्छा डाइट भी ले सकते हैं और प्रॉपर वेट को भी मेंटेन कर सकते हैं। हम ऐसे फैक्टर्स को देखेंगे जिसके थ्रू हम कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकते हैं या हमारी बॉडी की फैट लॉस को बढ़ा सकते हैं। फैट लॉस या वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक्सरसाइज रिलेटेड एक्टिविटी। एक्सरसाइज रिलेटेड थर्मोजेनेसिस सिर्फ 5-10% ऑफ टोटल कैलोरी नीड होता है पर डे का, तो फिर इसको बढ़ा के फायदा क्या है? एक्सरसाइज रिलेटेड एक्टिविटी से नॉट ओनली आपका थर्मोजेनेसिस या कैलोरी बर्निंग बढ़ेगा, नेट बेनिफिट क्या होगा? अगर आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ये एक्सरसाइज नॉट ओनली आपकी बॉडी की फैट लॉस करेगा, फैट लॉस के साथ साथ आपके मसल को भी बिल्डअप करेगा। मसल बिल्डअप होता है तो हमारी बॉडी की रोज की कैलोरी नीड बढ़ती है, क्योंकि मसल को चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन, और मसल की एक्टिविटी लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी उसको सप्लाई करना होता है। एक कंपैरिजन है कि फैट हमेशा बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, लेकिन मसल काम करता है, और जो काम करता है उसको एनर्जी चाहिए। तो आपकी बॉडी में अगर सिंपल 60 kg वेट में प्रोपोर्शन ऑफ मसल इज मोर कम्पेयर टू द फैट, तो आप ज्यादा कैलोरी बर्न करें। तो इससे बेनिफिट ये होता है जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं, फैट लॉस करके उसको मसल में कन्वर्ट करते हैं या मसल से रिप्लेस करते हैं, तो आपकी बॉडी की रोज की BMR बढ़ सकता है। जो आपका BMR 1200 में सेट हो गया वो शायद 1300 में पहुंच सकता है, क्योंकि आपकी इंटरनल कैलोरी नीड बढ़ जाएगी। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हम करते हैं या फिर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज विथ फास्ट रेट हम करते हैं, तो हमारी बॉडी नियरली हाई मेटाबॉलिक रेट में फॉर फर्दर 24 hours पोस्ट एक्सरसाइज भी मेंटेन रहता है। एक्सरसाइज करने के 24 घंटे बाद भी बॉडी की कैलोरी नीड काफी ज्यादा होती है। एक घंटा जिम में एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद 23 hours तक आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट हाई रहती है। सो दिस इज द एडेड बेनिफिट। अदर वे है जिसके थ्रू हम कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकते हैं, बाय टेकिंग 20-30% ऑफ प्रोटीन इन आवर डेली फूड। 10% ऑफ कैलोरी हम रोज खाना पचाने में यूज करते हैं, प्रोटीन लेने के बाद हम उसको और बढ़ा सकते हैं। हम 100-200 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न कर सकते हैं अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लेंगे। और प्रोटीन का दूसरा बेनिफिट क्या है? प्रोटीन लेने के बाद हमें काफी सेटिस्फाइड फील होता है, स्टमक को फुल फील होता है, खाने की क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन या सेटाइटी जल्दी रीच होता है। कुछ ऐसे फूड आइटम है जिसको कंज्यूम करके आप अपनी कैलोरी बर्निंग प्रोसेस को बूस्ट कर सकते हैं बॉडी में,
और इस कैटेगरी में सबसे अच्छा जो कैलोरी बूस्टिंग हाई मेटाबॉलिक रेट ड्रिंक है वो है कॉफी। ब्लैक कॉफी इस्तेमाल करते हैं विदाउट शुगर विदाउट मिल्क, देन इट विल बी मोर इफेक्टिव। जब मिल्क और शुगर के साथ लेंगे तो और ज्यादा कैलोरी बॉडी में पहुंचा देगा। ब्लैक कॉफी बिफोर वर्कआउट इज वेरी इफेक्टिव टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। कॉफी में होता है कैफीन और कैफीन की प्रॉपर्टी होती है कैलोरी बर्निंग प्रोसेस को बढ़ाना ड्यू टू वैसोडाइलेशन, जो हमारी बॉडी के हर एक सेल में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा देता है। इस कैटेगरी में दूसरा आता है ग्रीन टी। ग्रीन टी में होता है कैफीन के साथ साथ एक और टैनिन लाइक कंपाउंड होता है कैटेचिन। कैटेचिन भी थर्मोजेनिक है, बॉडी की कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। डार्क चॉकलेट इज अनदर बूस्टर ऑफ मेटाबॉलिज्म। डार्क चॉकलेट लेने के बाद नॉट ओनली आपको सेटिएटिंग फील होता है, खुशी होती है क्योंकि डार्क चॉकलेट सेरोटोनिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है, साथ में डार्क चॉकलेट मेटाबॉलिक इफेक्ट को भी बूस्ट करता है। एक और सिंपल फूड है जिसको काफी लोग जानते हैं कि इसको खाने के बाद मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, चिली में होता है कैप्सिसिन। कैप्सिसिन उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसके वजह से उसमें एक तेज या झाज होता है। कैप्सिसिन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। कैप्सिसिन हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, फूड इंटेक की क्वांटिटी को भी ये कम कर देता है। एक्सेस चिली कंज्यूम करने के बाद ये भी डर होता है कि स्टमक डैमेज ना हो जाए, एज ए मसाला यूज ना करें, ग्रीन चिली का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। हमारी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए एक और जो सिंपल आइटम है जो हम रोज कंज्यूम करते हैं लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं है, वो है वाटर। वाटर का हमारी मेटाबॉलिज्म के साथ सीधा कोरिलेशन है। बॉडी में वाटर कम होगा, बॉडी डिहाइड्रेशन में चला जाएगा तो आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी, साथ में आपकी बॉडी की टॉक्सिक मटेरियल जो यूरिन के थ्रू बाहर जाता है वो भी कम हो जाएगा। वाटर कंटेंट को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट टू बूस्ट द मेटाबॉलिज्म। बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को 5% तक इंक्रीज कर सकते हैं, डेली कम से कम 100 कैलोरी मोर बर्न कर सकते हैं। 8-10 ग्लास ऑफ वाटर इज मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्सन। लेकिन पानी लेने से पहले कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिए कि एम्प्टी स्टमक पानी लेना बहुत इफेक्टिव होता है। खाने के आधे घंटे पहले एक ग्लास पानी लेना, फूड इनटेक भी कम हो जाता है और काफी सेटाइटिंग भी फील होता है। पूरे दिन भर अपने आपको हाइड्रेट करना मत भूलिए। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर एक बार में लेने की बजाय कम कम क्वांटिटी में प्रॉपर इंटरवल में लेते रहिए। एक्सेस वाटर मत लीजिए, किडनी के लिए बहुत बड़ा बर्डन है, किडनी को डैमेज भी कर सकता है। इसके पहले मैंने शुगर के ऊपर सीरीज शेयर किया है आप लोगों के साथ, उसमें मैंने बताया कि स्लीप का कितना ज्यादा कोरिलेशन है विद मेंटेनिंग प्रॉपर शुगर लेवल इन आवर बॉडी। स्ट्रेस का फैट बर्निंग के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन है। प्रॉपर 7-9 आवर्स स्लीप लेते हैं तो स्ट्रेस कम रहता है, स्ट्रेस के साथ साथ आपकी हंगर भी कम रहती है, फूड की क्रेविंग कम होती है, शुगर लेवल मेंटेन रहता है एंड फैट बर्निंग भी बूस्ट होता है। किस तरह से हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होती है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी फैट बर्निंग को एक ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं। और फैट बर्निंग जब ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन होगा तो हमारी बॉडी वेट सडनली बढ़ने की चांसेस कम होंगे, क्योंकि जितना हम कैलोरी लेंगे उतना हम कैलोरी बर्न करेंगे। मे बी हम ज्यादा बर्न करके कैलोरी डेफिसिट करके साथ में आप वेट लॉस भी कर सकते हैं और प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फूड डाइट न्यूट्रिशन के ऊपर इस वीडियो सीरीज को, आप सबका बहुत बहुत सपोर्ट मिला। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। कंटेंट अच्छा लगे तो आपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कंटेंट यूजफुल लगे तो एक लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच।